कम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स जो कि आपका जैन से जुलाई तक का है 2018 तक का, और ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी यही हो गया आपका आने वाला है, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम अभी जो कंडक्ट होने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, फिर बैंकिंग के एग्जाम में भी आपके इंपॉर्टेंट हो गए और अदर एग्जाम जितने भी एसएससी के होते हैं वगैरह। तो ये आपके जैन से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स। और अभी आइए देखते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके मैंने 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक उस पार्ट को आप नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को एक बार चले जाएं और जाके देख लें। और ये होगा, थर्ड पार्ट होगा और लास्ट पार्ट भी होगा, और उस पार्ट का जो कि आपको लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। सब्सक्राइब करें india.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, कमेंट करें कोई भी अगर डाउट हो तो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और बेल बटन को प्रेस कर लें अगर नहीं किए हैं तो, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा सबसे पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि विंस गोल्ड इन जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप। देखिए ये अभी जो कि आपके जिम्नास्टिक का वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में पूछा गया है, तो आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं कि किसने जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता भारत के लिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो कौन होगा, दीपा कर्माकर। आपको पता है दीपा कर्माकर ओलंपिक से काफ़ी चमक गई हैं, ठीक है, तो इनके बारे में आप देख लेंगे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अभी रेलवे में पूछ रहा था कि साक्षी मलिक किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आपको पता है कि हरियाणा से हैं, तो इसी तरह से इनके बारे में भी आप लोग पता कर लेंगे। द सिटी ऑफ इंडिया हैज वंस अगेन इन 2018 बीन रैंक एमंग द वर्ल्ड बेस्ट सिटी बाय ट्रैवल एंड लीजर्स। देखो इसका मतलब क्या होता है कि छुट्टी, ठीक है, छुट्टी या अवकाश इसको बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना, घूमने के लिए और अवकाश के लिए वर्ल्ड बेस्ट सिटी में आपका 2018 में जो रैंक हुआ है तो वो कौन है, तो वो है आपका इंडिया का जो सिटी का नाम है उसका क्या है, आपको बता देता हूँ कि राजस्थान से है वो। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन होगा, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, स्टेट द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री फॉलोड बाई तमिलनाडु According to the Public Affairs Index 2018 released by the Think Tank Public Affairs Center, एक होता है आपका PSC Public Affairs Center जो कि आपका एक क्या बोलते हैं उसको लिस्ट बनाती है, तो उसी में बनाया गया है लिस्ट कि जो कि बेस्ट गवर्न स्टेट है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें से अगर ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, केरला। आप बेस्ट स्टेट मतलब कि शासित, बेस्ट शासन किया जा रहा है, ठीक ना, वहाँ पे इसके लिए बताया गया ये। हु हैज वन द फर्स्ट एथलेटिक वर्ल्ड कप, देखो पहला एथलेटिक वर्ल्ड कप किसने जीता, हु हैज वन द फर्स्ट एथलेटिक वर्ल्ड कप, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका USA, ठीक है, USA इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, हु हैज बीन इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड इन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप। तो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जहां पे बात आएगी, तो अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में था और वहां पे भी गोल्ड जीता उन्होंने, ठीक है, तो सबसे पहला पोजीशन, तो आपको पता है कि बहुत ही फेमस हो गई है, वो कौन है, तो वो आपके हीमा दास हैं, ठीक है फ्रेंड्स, हीमा दास आपका राइट आंसर होगा, समझ गए। विच कंट्री अनवेल द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन, देखो वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन है फ्रेंड, ठीक है, आप ऐसे पूछेगा कि कहाँ पे वर्ल्ड फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया गया, तो ये आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा, आपके अगर इस तरह से अगर ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका आंसर आपके रसा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब पहला कंट्री ये बनाया, ठीक है ना, वर्ल्ड फर्स्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, ऐसा अभी ये नहीं कि 2018 में किसने किया, ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट आपका कंट्री है। इंडिया इज द, आपको ब्लैंक पोजिशन पर आपका उसका पोजिशन भरना है, वेल्थीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद द टोटल वेल्थ ऑफ डॉलर 8,230 यानी कि 8,230 बिलियन। तो आपको बता देता हूँ कि इंडिया का जो पोजीशन है वो केवा है अब वेल्थीएस्ट में यानी कि धनी में, रिचेस्ट में, तो ये आपका आ गया है इंडिया 6th पोजीशन पे, किस पे फ्रेंड्स, 6th पोजीशन पे, आप इसको फिल कर सकते हो।
देखते हैं आगे, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो टू बी होस्टेड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किसके द्वारा, तो ये आपके अगर ऑप्शन है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि आपका ऑटो एक्सपो होता है, आप लोग देखते होंगे ऑटो एक्सपो आपको ग्रेटर नोएडा में किया जाता है, हर एक वर्ष आपके फरवरी में होता है वो, तो उसी तरह से ये आपका होता है इंटीग्रल कोच जो फैक्ट्री है वो ऑर्गेनाइज करती है आपका क्या रेल कोच एक्सपो, समझ गए, और ये क्या है इंटरनेशनल वे फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना आपको, तो ये कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, तो ये आपका चेन्नई में किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो होगा क्या होगा, चेन्नई इज द करेक्ट वन। विच सिटी नाउ हैज इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन रन बाय सोलर पावर, कौन सा सिटी है इंडिया का पहला सिटी वो बन गया है जहाँ की रेलवे स्टेशन जो है सोलर पावर पे रन करता है, तो अब आपको ऑप्शन इस तरह से दिए गए हैं तो आपके इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, गुवाहाटी, ठीक है, और गुवाहाटी किसका राजधानी है आप लोगों को पता होगा, तो ये इस तरह से इसके राइट आंसर हैं। फिर आगे चल के देखते हैं फ्रेंड्स, रेलवे टू यूज AI, ठीक है ना, एक तरह के कंट्रोल होता है वो, तो यूज AI टू कंट्रोल एयर सर्कुलेशन इन विच टनल, आपको बहुत पता है कि इन सब टनल का नाम दिया गया है कि मतलब इन स्टेटों में टनल है इन सिटीज में, तो आपको बताना है कि कौन AI जो वो है किस एयर सर्कुलेशन के लिए जो यूज किया जा रहा है रेलवे कर रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, मणिपुर, समझ गए, करेक्ट आंसर क्या है आपका मणिपुर। आगे देखता हूँ, वी इज इलेक्टेड अनअपोज टू सर्व सेकेंड टर्म एज ICC चेयरमैन, अब यहाँ पे बताया गया आपको कि कौन है जो कि अनअपोज यानी कि निर्विरोध टू सर्व सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद उनको सेकेंड टर्म भी मिल गया एज ए ICC चेयरमैन, आपका ICC का फुल फॉर्म पता होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो आपके चेयरमैन पूछा गया यहाँ पे, ठीक है, तो वो है आपके इंडिया से, मैं आपको हिंट देता हूँ, देखो आपके यहाँ पे दो इंडियन का नाम है, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, ये शशांक मनोहर और सौरभ गांगुली, तो सौरभ गांगुली नहीं है, सौरभ गांगुली किसके चेयरपर्सन है आपके कैब के हैं, कोलकाता जो बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड वहाँ के हैं, ठीक है, तो वहाँ से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन जो आपके शशांक मनोहर हैं ये आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ कि ये नागपुर के हैं, कहाँ के हैं ये नागपुर के हैं, और थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ कि ये आपके BCCI के भी हेड रह चुके हैं, BCCI के हेड थे यानी कि अध्यक्ष थे चेयरमैन थे, उसके बाद ही इन्होंने ICC का पदभार संभाला था, और उसके बाद ये जो है आपका उनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया, फर्स्ट टर्म कंप्लीट करने के बाद सेकेंड टर्म पे हैं वो, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि, तो आप इस तरह से इसको आंसर कर सकते हैं, ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ से हैं वो, तो इंडिया से हैं, अगर पूछता है कि किस स्टेट से हैं तो आपके नागपुर से हैं, तो ये होगा आपका राइट आंसर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, हैज बीन ऑनर्ड विद द निजी एशिया प्राइज इन जापान फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एशियन डेवलपमेंट, देखो एशियन डेवलपमेंट के लिए किसी को ऑनर किया गया है, यानी कि क्या नाम है उस ऑनर का, निजी एशिया प्राइज, और वो कहाँ पे दिया गया है, जापान में दिया गया, तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन को एक समराइज करके एक क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से थे जो उनको एशियन डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन के लिए मिला है ये अवार्ड, तो उसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो इनका कोई और नहीं, ये है आपके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, क्या है राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये है आपके डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो इस तरह से फ्रेंड आपके ये कुछ क्वेश्चन है, आगे देखते हैं, वी सिटी गॉट स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 अवार्ड, यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सिटी है जो कि आपका स्वच्छ, आपको पता है कि स्वच्छता के लेके बहुत सारे चीज़ें की जा रही है, और आप इसको ध्यान में रखना भी कि स्वच्छ मिशन में रेलवे कौन सा फर्स्ट पे है, डर्टीएस्ट कौन है, फिर शहर कौन सा साफ सुथरा है, तो इस तरह से आपको इसको चेक भी करने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी जीक के बढ़ गया है, समझ गए, जहाँ पे आपको कुछ भी इवेंट या कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है तो ये आपके लिए सरदर्द हो जाती है, आपका करंट अफेयर्स बढ़ गया, जनरल अवेयरनेस बढ़ गया, स्टैटिक जीके बढ़ गया, इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो आपके क्या है, विच सिटी है आपका, तो ये आपका कोई और नहीं, यहाँ पे देखो आपको मध्य प्रदेश के दो सिटी दिए गए हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है कि इसी में से कोई होगा, तो ये है आपका इंदौर, ठीक है, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट ट्रैकोमा वर्ल्ड लीडिंग कॉज टू प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस ऑफ इन्फेक्शियस ओरिजन, तो एक तरह का आंख की बीमारी जो होती है ये, तो बिकम द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया टू एलिमिनेट द ट्रैकोमा वर्ल्ड लीडिंग कॉज प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, इन्फेक्शन होता है तो वो कौन सा कंट्री है, आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में है तो साउथ ईस्ट एशिया में आपका कौन सा कंट्री है वो, तो ये आपका भूटान है फ्रेंड्स।
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपके तीन पार्ट ये आज मिला के हो जाएंगे और ये लास्ट पार्ट मैं कर देता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो आपके शुरू करूंगा, दूसरा किसी पे बेस्ट। देख लो जैसे मैंने इसको तीनों वीडियो मैंने कवर कर दिए करंट अफेयर्स के तीन वीडियो के थ्रू। आप अब क्या हो गए कि एक जैन से लेके 30 से 31 जुलाई तक आपके ये कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अब आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे वो अगस्त से स्टार्ट करने होंगे। तो जैसे ही अगस्त खत्म होगा, सितंबर खत्म होगा, उसके बाद मैं फिर से एक आपको वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर्स पे, तो फुल्ली आपका करंट अफेयर्स इसी तरह से चलता रहेगा। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू हैव सोलर टॉयलेट्स। देखो यहाँ पे बोला गया नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम, टू हैव अ सोलर टॉयलेट, कौन सा बना है फर्स्ट स्टेट टू हैव अ सोलर टॉयलेट, तो ये आपका कोई और नहीं, ये इसका आंसर है मणिपुर। देख रहे हैं दो, एक टनल वाले का आंसर मणिपुर था और एक आपका सोलर टॉयलेट वाला। Who has been appointed as the first ever chief financial officer to Reserve Bank of India? ये आपका first ever, ठीक है ना, पहली बार chief financial officer बनाया गया है Reserve Bank of India का, तो ये कौन है आपके, तो ये आपका question भी आ चुका है रेलवे में, तो ये है आपका सुधा बालकृष्णन, सुधा बालकृष्णन इज द करेक्ट वन। Who got Man Booker International Prize winner 2018? देखो आपको बहुत सारे question आपके पूछे जाते हैं, मैन बुकर हो गए आपके, इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज हो गए, पीस के फील्ड में नोबेल प्राइज हो गए, मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज हो गए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको भी प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो मैं 2017 का बता चुका था, 2018 का जैसे ही मैं आपको सब मेंशन करने की कोशिश करूंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ओल्गा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ये आपका, करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। In an endeavor to facilitate the unemployed youth of the state, which government announced to give a monthly allowance of rupees 1000 each to unemployed graduate youth? देखो अब एक गवर्नमेंट है, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इन स्टेट का गवर्नमेंट, तो इन्होंने क्या किया है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, यानी कि जो आपके बोल सकते हैं कि ग्रेजुएट कर चुके हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो उनको मंथली अलाउंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो कितनी होगी आपकी 1000 रुपीज, ठीक है ना, समझ गए। तो ये आपका बताना है कि ये स्टेट कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, अगर वहाँ से कोई आप बिलोंग करते हैं तो ये आपका हक है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। विच वेटर्न एक्टर हैज बिकम द फेस ऑफ सेंट्रल रेलवे एंड एंटी ट्रेसिंग कैंपेन। तो आपको बता दें कि ये जो वेटर्न एक्टर हैं ये बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं और बहुत बड़े बड़े फिल्में कर चुके हैं, तो इनका जो अगर ऑप्शन देखेंगे तो सभी इसमें फेमस हैं, लेकिन खास करके जब आप बात करते हैं अमिताभ बच्चन का, तो ये है आपके राइट आंसर। तो जो रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा इनको ही अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सजेशन के साथ मैं आना चाहूँगा, तो आप हमको सजेशन देते रहें फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें फ्रेंड्स, जम के कमेंट करें, लाइक शेयर करें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल प्लस पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।